तो साथियों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सीट की हालत कितनी खराब हो गई है। अगर हम लोग इसे साफ नहीं करेंगे तो इसको करोजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कितनी ज्यादा बैठी हुई है सीट के ऊपर। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए क्या हालत हो गई है सीट की। अगर आप लोग इस सीट की सफाई नहीं करेंगे तो आपकी सीट के ऊपर करोजन लगना शुरू हो जाएगा। तो नियमित रूप से आप लोगों ने अपनी रूफ की सफाई करनी है और देखभाल करनी है। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाटा फैब्रिकेटर अमन। तो दोस्तों आज का विषय, हम अपनी रूफ की मेंटेनेंस साल में एक बार जरूर करें ताकि हमारी रूफ की ऊपर जो प्रोफाइल सीट लगी है वो सालों साल तक चलती रहे। टाटा ड्यूराशाइन कंपनी की देख सकते हैं प्रोफाइल सीट। तो प्रोफाइल सीट की केयर करना हमारा काम है। जितने भी नट्स स्क्रू एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जैसे देख सकते हैं टॉप पे रीज लगा हुआ है और कोई नट वगैरह टूटा हुआ है तो उसको आप लोगों ने रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है। रिज के स्क्रू नट बोल्ट ढीले हो गए हों तो उनको टाइट करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो डस्ट पड़ी हुई है सीट के ऊपर, उसको नरम ब्रश और साफ कपड़े से या साफ पानी से उसे साफ करना है। जैसे ये होगा हमारी रूफ की जो प्रोफाइल सीट है वो लंबे समय तक चलेगी और देखने में सुंदर लगेगी। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो डस्ट है वो डस्ट ही सीट के ऊपर बैठी हुई है, नीचे से सीट जो है हमारी बिल्कुल साफ है, देख सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि सीट का रंग चला गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे डस्ट की धूल मिट्टी की परत जमती जाती है और जो कलर होता है वो छुपता जाता है। तो साल में एक बार जरूर अपनी रूफ के ऊपर लगी हुई प्रोफाइल सीट की देखभाल करें और नरम ब्रश के साथ सीट की सफाई करें और किसी फावड़े वाली चीज़ या सख्त चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे सीट के कलर और सीट को नुकसान ना हो। तो देख सकते हैं साल में एक बार रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रूफ की जो प्रोफाइल सीट है वो लंबे समय तक चलेगी और देखने में सुंदर लगेगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साफ किया है और जो सीट का मेन पेंट है, कलर है, वो सामने आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही आप लोगों ने अपने घर के ऊपर लगी हुई प्रोफाइल सीट को साफ करना है। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको करोजन लग गया है तो इसको रिप्लेस करना जरूरी है, नहीं तो ये टूट के यहाँ से पानी लीकेज की समस्या शुरू हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने भी नट स्क्रू एक्सेसरीज लगी हुई हैं, रिज हैं, बैली है, गटर है, सभी को आप लोगों ने चेक करना है नियमित रूप से। तो दोस्तों अगर आपकी रूफ प्रोफाइल सीट के ऊपर कूड़ा कचरा मिट्टी इत्यादि पड़ा हो तो उसे साफ करना है, हटाना है और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को ड्यूराशाइन छत से दूर रखना है ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पानी की रुकावट ना हो और पानी हमारा जो है वो इन नालियों में निरंतर रूप से बहता रहे। अगर यहाँ पे हम लोग कूड़ा कचरा फेंक देंगे, जो पानी है उसमें रुकावट होगी और पानी रुकने की वजह से करोजन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोफाइल सीट टाटा ड्यूराशाइन की इंस्टॉल है, बट इसमें यहाँ पे सफाई नहीं की गई है, उस वजह से सीट का कलर जो है वो छुप गया है। देख सकते हैं कितनी डस्ट निकल रही है, ये एशियन वाइट कलर है। तो नियमित रूप से हम लोग अगर इसकी सफाई करते रहेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल सीट जो है वो सालों साल तक चमकती रहेगी। तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, ड्यूराशाइन छत से बनी हुई जितनी भी घर के ऊपर सुंदर सुंदर छतें हैं उनका आपने ख्याल रखना है, देखभाल करनी है, तभी आपकी जो प्रोफाइल सीट है वो लंबे समय तक चलेगी और देखने में सुंदर लगेगी और आपके घर को सुरक्षित रखेगी। तो दोस्तों किसी भाई ने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं अपने सवाल। मैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर नादौन से हूं दोस्तों, जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप लोग सीट लेने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7018178740। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों में, और ये बहती हुई नदी साथ में ब्यास नदी, और ब्यास नदी के किनारे हम लगे हुए हैं काम पे। सामने की तरफ को जिला कांगड़ा पड़ता है और पुल के इस साइड को जिला हमीरपुर पड़ता है।
तो ये देख सकते हैं नंदनगरी नादौन, तो बहुत ही शानदार दृश्य। और दोस्तों ध्यान में रखना है आपने अपने घर के ऊपर लगी हुई प्रोफाइल शीट की नियमित रूप से सफाई और देखभाल करनी है, जिससे आपकी जो छत है वो सालों साल तक चमकती रहे और देखने में सुंदर लगे। ताकि अगर हम टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये नट्स लगे हुए हैं, नट जैसे जंग लग जाता है इनको, तो जंग लगने की वजह से ये टूट जाते हैं और वहाँ से पानी लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ के ऑनर को चाहिए कि इस बार एक बार साल में इस रूफ की सफाई जरूर करवाएं, जिससे देखने में छत सुंदर और साफ लगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं सवालों को। तो साल में एक बार आपने जरूर अपने रूफ के ऊपर लगी हुई प्रोफाइल शीट की सफाई करनी है, जिससे हमारी रूफ जो है वो बढ़िया देखने में लगे और चमकती रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पानी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है नीचे को, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अभी रेन वाटर गटर नहीं लगाया गया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू गलत तरीके से लगाया गया है, तो यहाँ पे स्क्रू को क्रोजन लग गया है, क्योंकि स्क्रू जो है इस नाली में नहीं लगाया गया है, सीधा डायरेक्टली इस पॉइंट पे लगा दिया गया है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे भी स्क्रू लगाया गया है, कोई कारण होगा तभी ये स्क्रू लगाया गया है, वैसे यहाँ पे स्क्रू लगाना गलत है। स्क्रू जो है वो हमेशा यहाँ पे लगाना चाहिए, एक नाली छोड़ के बिल्कुल सही तरीके से क्रमवार यहाँ पे स्क्रू लगाए गए हैं। और जहाँ पे लैंप ज्वाइंट होता है, लैंप और ज्वाइंट पे पॉइंट को भी सारे स्क्रू लगाना जरूरी है नालियों में, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें, और अपनी प्रोफाइल शीट के साथ लगती हुई वृक्ष की टहनियाँ, पत्ते इत्यादि को अपनी रूप छत से दूर रखें, ताकि वो हमारी रूप छत को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टाटा।